वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कि किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको ये बताया है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स के केमिकल नेम को शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके कैसे लर्न कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक विज़िट नहीं किया है लास्ट वीडियो को, तो प्लीज़ वो लास्ट वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन लिखे हैं, साथ में उनके केमिकल नेम भी लिखे हैं, साथ में उनसे होने वाले डिजीजेस लिखे हैं। ए, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो डिजीज़ होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है, हिंदी में अगर हम देखें तो रतौंधी कहलाता है। विटामिन बी की कमी से जो डिजीज़ होता है वो बेरी बेरी कहलाता है, और हिंदी में भी बेरी बेरी कहलाता है। विटामिन सी की कमी से जो डिजीज़ होता है वो स्कर्वी कहलाता है, हिंदी में भी स्कर्वी कहलाता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स कहलाता है, हिंदी में भी रिकेट्स कहलाता है। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो इनफर्टिलिटी होता है, हिंदी में इसको बांझपन कहते हैं। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है लैक ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, रक्त का थक्का ना बनना। इसको हम डिटेल में और आगे आपको समझाएंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या ट्रिक तैयार की है हमने वो देखने चलते हैं। विटामिन ए से जो विटामिन ए के कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी। तो इसके लिए जो वर्ड हमने यूज़ किया है वो किया है रात में, रात में रतौंधी, र त, तो र और त से हमने लिया है रात में, नाइट, नाइट माना रात, तो इसलिए हमने लिया है रात में। देन बेरी बेरी, बेरी बेरी है तो बेरी बेरी से देखते हैं हमने क्या लिया है। बेरी बेरी से हमने लिया है ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है ब्लैकबेरी। देन स्कर्वी, स्कर्वी के लिए जो वर्ड यूज किया है हमने स्कर्वी, तो स्कर्वी में देखिए ये सेंटर में है कर, तो कर से हमने लिया है कार में, कार में, तो कार का हिंट से हमें याद हो जाएगा कि कार के हिंट से है स्कर्वी। देन रिकेट्स, तो रिकेट्स से हमने क्या लिया है देखते हैं, रिकी, रिकेट्स से हमने लिया है रिकी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में हमने क्या वर्ड लिया है रिकी, रिकेट्स से रिकी। देन इनफर्टिलिटी, इसको हिंदी में बांझपन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कंडीशन के बारे में बता दूं, ये वो कंडीशन होती है, ये मेल्स और फीमेल्स, स्त्री या पुरुष, ये दोनों में ही होती है, कि अगर दोनों में ही जो उनके रिप्रोडक्टिव अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, या कहें तो जनन अंग हैं, अगर उसके अंदर कुछ कमी होती है जिसके कारण वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, या कहें कि जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो वो कंडीशन इनफर्टिलिटी या बांझपन कहलाती है। तो देखते हैं इसके लिए हमने क्या ट्रिक लिया है। इसके लिए हमने सेम वर्ड्स लिए हैं, इंग्लिश में इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी लिया है, हिंदी में बांझपन है तो बांझपन लिया है। देन लैक ऑफ ब्लड को एगुलेशन, रक्त का थक्का ना बनना, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि रक्त का थक्का ना बनने का मतलब क्या है, कि जब कभी हमें किसी कारणवश कट लग जाता है हमारे बॉडी पे,
तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर जब हम उसे दबाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है और वहाँ पे खून के कुछ थक्के सा बन जाता है। उसी को कहते हैं रक्त का थक्का, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। ब्लड कोएगुलेशन मीन्स रक्त का थक्का बनना। तो देखते हैं इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है। ब्लड कोएगुलेशन को ब्लड कोएगुलेशन लिखा है और रक्त का थक्का ना बनना इसको हमने सेम एज इट इज कॉपी किया है, रक्त का थक्का ना बनना। तो इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हमने जो यूज किया है वर्ड लास्ट में वो है के बारे में पढ़ रहा था। अब देखते हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में। रात में ब्लैकबेरी कार में रिकी इनफर्टिलिटी और ब्लड कोएगुलेशन के बारे में पढ़ रहा था। तो इस स्टोरी के मीडियम से आप बहुत जल्दी इसको लर्न कर लेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सेम हिंदी में भी है, रात में ब्लैकबेरी से सॉरी बेरी बेरी से ब्लैकबेरी, स्कर्वी से कार में, रिकेट से रिकी, बांझपन का एज इट इज है बांझपन, रक्त का थक्का ना बनना एज इट इज है के बारे में पढ़ रहा था। स्टोरी पढ़ते हैं। रात में ब्लैकबेरी कार में रिकी, बांझपन और रक्त का थक्का ना बनने के बारे में पढ़ रहा था। तो दो तीन बार आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस लर्न हो जाएंगी और बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएंगे और जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।